नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में भवरकुआं थाना पुलिस ने जल संसाधन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी रोहित बैरागी के साथ ही पूर्व बैंक मैनेजर हर्ष भटनागर को अपनी गिरफ्त में लिया है। आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए की ठगी की थी। दरअसल पिछले दिनों भवरकुआं पुलिस को कई लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें जल संसाधन विभाग में शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए और उनसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने रोहित बैरागी नामक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसने अपने साथी पूर्व बैंक मैनेजर हर्ष भटनागर के साथ मिलकर लोगों से 18 लाख रुपए की ठगी की थी। घटना के बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर हर्ष भटनागर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 5 दिनों का रिमांड लिया गया है। पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। क्या है कि ये रोहित जो आरोपी है वो पहले अरेस्ट हुआ था, उसने बताया कि उसके साथ में ये हर्षल भटनागर, पिता दिलीप भटनागर, निवासी देवास का, ये कंसल्टेंसी काम करता है। ये लोगों को नौकरी जल संसाधन विभाग में लगवाने के नाम पर पैसा लेता था एवं फर्जी नियुक्ति पत्र देकर वो पैसा रोहित बैरागी खाते में जमा करता था। इसको आज गिरफ्तार किया है। सर, कैसे लोगों को ठगी करता था? भाई, बेरोजगार लोगों को ठगी करता था नौकरी दिलाने के नाम पर। अभी तक सर इसमें कितने लोगों को ठगी का शिकार हुआ? हाँ, करीब 20 लोग अभी तक सामने आए हैं, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, इसको कुछ नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो नहीं आया उसकी जानकारी में। बीके रघुवंशी, उप निरीक्षक थाना भवर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।